नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस बार 2022 में अंडर ग्रेजुएट कोर्स, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, उसके लिए आपको CUET देना अनिवार्य है। 6 अप्रैल से CUET के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। आप में से कुछ विद्यार्थियों ने इस फॉर्म को भर भी दिया होगा। तो बेटा, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ECA कोटे से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको CUET की परीक्षा देनी होगी। इसी के रिगार्डिंग न्यूज़ लेकर के मैं आप लोगों के पास आई हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। शिक्षा प्रभा पर अगर आप पहली बार आए हैं तो अपनी आंसर की, मार्किंग स्कीम, सिलेबस, मॉडल टेस्ट पेपर और इस तरह की जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ECA एडमिशन 2022 DU में खेल और पाठ्येतर गतिविधियां ECA कोटे के माध्यम से दाखिला पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय 2 साल के अंतराल के बाद इस साल खेल और ECA की परीक्षा आयोजित करने वाला है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आवेदकों को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET 2022 देना होगा। विश्वविद्यालय ने COVID-19 महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों में खेल और ECA कोटे के तहत प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह ने कहा कि इस साल अगर कोविड की स्थिति ठीक रहती है और मामलों में कोई वृद्धि नहीं होती है तो हम खेल और ECA परीक्षा आयोजित करेंगे। तो छात्रों को प्रवेश देते समय परीक्षा में CUET के अंक को 25% और उनके प्रदर्शन को 75% का महत्व दिया जाएगा। ये आप याद रख लेंगे बेटा इस चीज़ को। अधिकारियों ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित की जाएगी। CUET के लिए पंजीकरण बुधवार से शुरू होगा। विश्वविद्यालय के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार कॉलेजों को खेल और ECA कोटे के तहत 5% छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति है। दिल्ली विश्वविद्यालय एडमिशन 2022 की क्या पॉलिसी है, एक बार उसको देख लेते हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति योगेश सिंह ने मंगलवार को शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश पॉलिसी के बारे में बताया है। नए सत्र में प्रवेश को एक ऐतिहासिक नीति बताते हुए उन्होंने कहा कि DU प्रवेश प्रक्रिया भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC द्वारा जारी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET 2022 के माध्यम से की जाएगी। DU UG प्रवेश के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी कि SOL, मैं आपको बेटा इसके बारे में पहले बता चुकी हूँ कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग SOL और राष्ट्रीय कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड यानी कि NCWEB को छोड़कर सभी स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश CUET 2022 के माध्यम से ही किया जाएगा। अगर आप SOL में एडमिशन लेना चाहते हैं और इसके अलावा NCWEB में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CUET की परीक्षा नहीं देनी है। नेक्स्ट है DU में अन्य कार्यक्रमों में DU में प्रवेश। तो BBA, BMS, BBE, BA, BVOC, BCOM उम्मीदवारों के लिए किसी एक भाषा, गणित और CUET की सेक्शन 3 के अनुसार उपस्थित होना होगा। उम्मीदवारों के पास एक भाषा प्लस एक विषय और एक सामान्य परीक्षा या 3 विषय की परीक्षा का विकल्प होता है। भाषाई कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवार CUET में एक विशेष भाषा चुन सकते हैं या किसी अन्य भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। हालांकि विशेष भाषा में आने वालों को वरीयता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षण के बाद केंद्रीकृत ई काउंसलिंग भी स्टूडेंट्स की जाएगी। तो बेटा, आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।